हेलो फ्रेंड्स, अभ्यास इंस्टीट्यूट में आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास क्या है? इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को ये लगता है कि इंग्लिश का क्या आ गया, ग्रामर में ऐसा क्या है, बच्चों से ग्रामर नहीं होती, बच्चे लिटरेचर कर लेते, ग्रामर में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेन ग्रामर में हमें सबसे पहले सीखने की ये जरूरत है कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं, जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, वो बनते कैसे हैं? हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड। हमें पता है कि सेंटेंसेस में क्या आते हैं। सबसे पहले हम अगर सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स ही हैं जो हम बोलते हैं। अगर मैं बोलूं इज राम पेंटिंग मेकिंग, तो ये क्या है हमारे पास? इज राम पेंटिंग मेकिंग, ये हमारे पास क्या है? ये सारे क्या है हमारे पास? वर्ड्स। तो हम ये तो सीख लेते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, ये भी सीख लेते हैं कि हमारे पास हम ये चीजों को चलते कैसे हैं, बट द हमें ये नहीं पता चलता कि इन वर्ड्स को हम ऐसे कैसे अरेंज करें कि वो हमारे पास क्या बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए जिसको कि हम समझ सकें, क्या बन जाए, एक मीनिंग फुल सेंटेंस। तो बस आज की क्लास में हमें यही सीखना है कि हम कैसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम किस में आती है? हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स हैं, हमें ये नहीं पता कि हम वर्ड्स को अरेंज कैसे करें, उसमें वी हैव अ कंफ्यूजन। बच्चे को कंफ्यूजन है, जिसको टीचर्स बोलते हैं कि तुम्हें सेंटेंस बनाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो हमें सेंटेंस बनाने से पहले इंग्लिश में ये सीखना पड़ेगा कि सेंटेंस बनता कहां से है। सेंटेंस भी तो किसी चीज से बनता ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चलो, सेंटेंस हमें पता है कि वर्ड्स का बनता है, हमें पता है कि अगर हम वर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस, और किसी मीनिंगफुल सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीच, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज। इसीलिए हम बोलते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीच। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, सबसे पहले जो चीजें हम बोलते हैं वो चीजें कौन कौन सी चीजें हैं। जब हमें यही पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमारे लिए सेंटेंस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब बोलना, जो हम बोलते हैं, बोलना। तो जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन की, फिर नाउन के बाद हमें क्या मिलता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या आता है? वर्ब। फिर हमारे पास आता है एडवर्ब। फिर हमारे पास है एडजेक्टिव। फिर हमारे पास है कंजंक्शंस। फिर हमारे पास है प्रपोजिशंस। लास्ट में हमारे पास है इंटरजेक्शंस। अगर हम फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास की बात करें तो इन सारे क्लासेस में से सारे चैप्टर्स चलते हैं। ये सारे चैप्टर्स इन सारे क्लासेस के लिए कॉमन है, मतलब बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है, नाउन के बाद बच्चों को प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, बच्चों को वन बाय वन ये चैप्टर समझाए जाते हैं। फिर बच्चे को जब ये चैप्टर समझ में आते हैं तो बच्चे को सिखाया जाता है कि इन सारे चैप्टर्स का यूज एक सेंटेंस में कैसे हो सकता है। तो बच्चों को सीधा एक सेंटेंस बनाने से
अच्छा है कि पहले बच्चों को ये समझाया जाए कि ये पास्ट ऑफ स्पीच की जरूरत कहाँ पड़ेगी, हमें नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ऐसा नहीं कि ये फिफ्थ क्लास का बच्चा सीखेगा या सिक्स क्लास के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक्स फिफ्थ टू लेके सिक्स एट क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए पहले इन सारे टॉपिक्स को थरली रीड करना पड़ेगा, थरली इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हम अपनी आने वाली क्लासेस में करेंगे। सबसे पहले हम नाउन करेंगे, फिर हम प्रोनाउन करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक्स चले जाएंगे हम वैसे वैसे टॉपिक्स करते रहेंगे। जब भी हम टॉपिक्स कर लेंगे तो हम ये समझेंगे कि इन सब चीजों को, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को बोलते हैं, हम एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, कैसे एक सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बोला जाता है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही।